हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। तो आज हम कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब कल जो मैंने करवाया था टीथ के बारे में, तो टीथ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा डाइजेशन मुख का जो पार्ट है, जो माउथ का पोर्शन है, वो हमने कवर कर दिया। उससे जितने भी पॉइंट बनते थे सलाइवा के बारे में, टेस्ट बड के बारे में, टीथ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलेंगे आगे, हमारे डाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं तो देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये हमारा मुख है मतलब माउथ, और ये जो पोर्शन है ये मैंने आपको बताया था कि हमारी नोज है ना, नाक। और यहां पे एक जंक्शन आता है जिसे हम क्या कहते हैं, इस जंक्शन को हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स कहने का मतलब ग्रसनी। तो सबसे पहले इसकी मैं बात करता हूं कि फेरिंग्स क्या है, आपसे पूछेगा। तो पहले चीज ध्यान रखो, फेरिंग्स में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, यहां पे किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती। तो पहला पॉइंट तो यही है कि यहां पाचन नहीं होता, नहीं होता, नो डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में फेरिंग्स है क्या, तो थोड़ा ध्यान से देखना। नाक से आपने सांस ली तो यहां पे आई हवा, मतलब एयर। मुख से आपने भोजन ग्रहण किया तो कहने का मतलब यहां से आया भोजन। तो आपसे पूछेगा कि हवा और भोजन पहली बार कहां मिक्स होते हैं, तो हम लिखेंगे ग्रसनी में। ग्रसनी में हवा और भोजन एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो आप लिखोगे ग्रसनी में हवा एवं भोजन आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। कहने का मतलब इन फेरिंग्स फूड एंड एयर मिक्स। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि भैया डाइजेशन तो नहीं रहे, तो सीधी सी बात है कि डाइजेशन के बारे में तो पूछेगा नहीं वो। तो वो आपसे यही पूछेगा कि भैया फेरिंग्स में होता क्या है, तो फेरिंग्स के अंदर होता है फूड और एयर मिक्स होता है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। फेरिंग्स से अगर बच्चों में आगे चलूं तो ये मैंने आपको एक जॉइंट जो बनाया था, और यहां पे हमारे ये आ गए फेफड़े, कहने का मतलब लंग्स। तो फेफड़ों के बारे में मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करूंगा, श्वसन तंत्र टॉपिक में बात करूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक जंक्शन बताया था आपको, और उस जंक्शन का नाम क्या है, तो इस जंक्शन का नाम मैंने आपको बताया था एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, और हिंदी में अगर हम बोले तो इसे कहेंगे कंठ द्वार। क्या कहेंगे, कंठ द्वार। तो हमारा फेरिंग्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके बाद में एपिग्लॉटिस के बारे में एक पॉइंट है। हवा और भोजन कहां मिक्स होते हैं, तो आप बोलोगे ग्रसनी के अंदर, लेकिन आपसे पूछेगा कि एपिग्लॉटिस में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, एपिग्लॉटिस में भोजन जब यहां आ रहा होता है तो इसके साथ हवा भी होती है, कहने का मतलब ये हवा से मिक्स भोजन है। तो हवा इधर निकल जाती है लंग्स के अंदर और भोजन आगे निकल जाता है, भोजन आगे निकल जाता है और हवा इधर निकल जाती है। तो कहने का मतलब कंठ द्वार एक ऐसी चीज है जहां पे हवा और भोजन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। भाई बिछड़ ही गए ना, हवा अपने रास्ते गई लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर इसकी क्रिया होगी, फेफड़ों में जो भी होगी वो जब हम लंग्स पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, और फूड आपका आगे निकल जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि हवा और भोजन अलग कहां होते हैं, तो आप लिखोगे एपिग्लॉटिस में यहां हवा एवं भोजन एक दूसरे से
अलग होते हैं। एयर एंड फूड सेपरेटेड इन एपिग्लॉटिस, एयर एंड फूड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। तो कहने का मतलब एपिग्लॉटिस में हमारे भोजन अलग हो जाते हैं, ये हमारा कंठ द्वार है, हवा अपने रास्ते चली जाती है, और बाय चांस अगर यहां पे इस पॉइंट पे अगर भोजन इसके अंदर एंटर हो गया तो आपकी 6-7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि श्वास नलिका बंद हो जाएगी, है ना, लंग्स की क्रिया बंद हो जाएगी, गैसों का आदान प्रदान नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल नॉट हैपन, इसलिए हवा और भोजन अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको ये पूरी जो आप नाल देख रहे हो बच्चों, ये वाली नाल, इस नाल के बारे में मैंने आपको बताया था, और इस नाल का नाम क्या है, और इस नाल का नाम है बच्चों भोजन नाल। भोजन नाल कह दो, या मैंने कई नाम लिखाए थे आपको, ग्रास नाल, ठीक है, और एक मैंने इंग्लिश का टर्म आपको बताया था, और इंग्लिश का जो टर्म है वो क्या है, तो मैं यहां लिखता हूं, इंग्लिश वाला टर्म है इसको ईसोफेगस, क्या कहते हैं, ईसोफेगस। अब यह भोजन नाल में क्या होता है, तो भोजन नाल के अंदर कुछ नहीं होता है, यहां पे पाचन नहीं होता, तो मैं इसके पॉइंट्स जो हैं वो यहां लिख रहा हूं, भोजन नाल में पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता, कहने का मतलब नो डाइजेशन। तो ये करती क्या है भैया, तो मैं आपको बता दूं, हमारी आदत क्या है कि हम जो भी खाना हो चाहे कितना ही बड़ा खाना हो 5 मिनट के अंदर खत्म करेंगे, 10 मिनट मैक्सिमम है, क्यों, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना कुछ, जैसे ही खा रहे हैं वैसे का वैसा सीधा निकल रहे हैं। अब निकलते हैं तो भैया ये तो एक नाल है ना, इसको तो जोर आएगा ना, अगर आप अच्छे से चबा के अंदर लेके जाओगे तो कहने का मतलब एक लुगदी सी बन जाएगी, और वो आपके अंदर ऐसे ऐसे रोल होता हुआ आएगा, भोजन लाल मिश्रित भोजन ऐसे रोल होता हुआ आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बड़े बड़े टुकड़े निकालते हैं, कहीं तो एक रोटी के दो ही टुकड़े करते हैं, अब वो टुकड़े यहां पे फंस जाएंगे तो बेचारा दिक्कत तो इसको होगी ना। कहने का मतलब ये सिर्फ एक ही काम करता है, क्या काम करता है, भोजन को मुख से अमाशय तक भेजने का काम करता है, और भेजता किसके माध्यम से है, संकुचन और फैलाव के माध्यम से, कहने का मतलब कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा, संकुचन होगा और फैलाव होगा, अगर बड़ा टुकड़ा है तो ये फैल जाएगा, और अगर छोटा टुकड़ा है तो ये अपनी नॉर्मल अवस्था में रहेगा। इसका मतलब इसका कार्य क्या है, भोजन को संकुचन और फैलाव के माध्यम से अमाशय तक भेजना, किस तक भेजना, अमाशय तक भेजना। तो कहने का मतलब इसका जो काम है वो क्या है, यह लिखेंगे इसका मुख्य कार्य भोजन को संकुचन एवं फैलाव प्रक्रिया द्वारा अमाशय तक भेजना, कहने का मतलब विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ दिस इट विल सेंड आउट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। तो कहने का मतलब संकुचन और फैलाव के माध्यम से भोजन को कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू भोजन को कहां भेजेगा, ये अमाशय तक। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब ये पूरी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को क्रमांकुचन, क्रमांकुचन, और इंग्लिश में बोले तो
पेरिस्टॉल्सिस। कहने का मतलब ये जो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन की प्रोसेस है इसे हम पेरिस्टॉल्सिस प्रोसेस कहेंगे, कर्मांकुचन अभिक्रिया कहेंगे, कर्मांकुचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं फिर बताता हूं, क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे पूछेगा कि जहां पे हवा और भोजन पहली बार मिक्स होते हैं उस भाग का नाम बताओ, तो आपको बोलेगा फेरिंग्स। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि हवा और भोजन अलग कहां होते हैं, तो आप बोलोगे एपिग्लॉटिस। आपसे पूछेगा आहार नाल में पाचन होता है, नहीं होता। आहार नाल का मुख्य काम क्या है, भोजन को मुख से लेके, कहने का मतलब ग्रसनी से लेके अमाशय तक भेजना, ग्रसनी लिख दो यहाँ पे मुख की जगह, ठीक है। तो कहने का मतलब अमाशय तक भेजना, और किस प्रक्रिया से भेजेगा, पेरिस्टॉल्सिस प्रोसेस से भेजेगा। थोड़ी मैं स्पेलिंग करेक्शन करता हूं, पेरिस्टॉल्सिस, पेरिस्टॉल्सिस, ठीक है। कहने का मतलब कर्मांकुचन अभिक्रिया ये कहलाती है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई मेन काम नहीं हुआ, बस छोटे छोटे पॉइंट बने कि ग्रसनी में क्या होता है, एपिग्लॉटिस में क्या होता है, और भोजन नाल का क्या काम है, ईसोफेगस का क्या काम है, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन पार्ट पे। अब यहाँ पे सब कुछ होगा, ये इंपॉर्टेंट है स्टमक के बारे में, ठीक है। तो मैं इसको एक बार पूरे को हटा सकता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हमारा भोजन आ चुका है यहां से निकल के अमाशय के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाशय, अमाशय, देखो वन बाय वन बात करते हैं। अमाशय के तीन भाग होते हैं, अमाशय कितने भाग होते हैं, तीन। आहार नाल से भोजन जहां प्रवेश करता है उस भाग को क्या कहते हैं, तो उस भाग को कहते हैं कार्डिक, कार्डिक। तो अमाशय का सबसे ऊपर वाला भाग आहार नाल, सॉरी भोजन नाल से जब अमाशय में भोजन प्रवेश करता है तो किस भाग में प्रवेश करता है, कार्डिक में। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा आगे चले बच्चों यहां से, यहां पे तो एक ऐसा भाग आता है जहां पे हवा भरी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा भाग है अमाशय का जिसमें हवा भरी होती है, तो उस भाग को हम कहते हैं फंडस, क्या कहते हैं, फंडस पॉइंट, फंडस। और उसके बाद में अगर थोड़ा आगे चले बच्चों, तो आगे चलने पे अमाशय का अंतिम सिरा आएगा। अंतिम सिरे का मतलब क्या है, यहां पे भी मैं आपको थोड़ा ऐसी शेप बनाता हूं, ठीक है। ये जो अंतिम भाग है अमाशय का, तीसरा भाग, पहला, दूसरा और तीसरा भाग, तो इस तीसरे भाग को कहते हैं पाइलोरिक, क्या कहते हैं, पाइलोरिक भाग। तो ये है पाइलोरिक। तो अमाशय के तीन भाग होते हैं, भोजन नाल से जब भोजन अमाशय में प्रवेश करता है तो किस भाग में करता है, आप बोलोगे कार्डिक, कार्डिक। के बाद में आगे जो भाग आता है जिसमें हवा भरी होती है, फंडस। उसके बाद में थोड़ा सा आगे है जब अमाशय से भोजन, छोटी आंत, ये है आपकी छोटी आंत, छोटी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत के अंदर भोजन किस भाग से प्रवेश करता है अमाशय के, तो पाइलोरिक भाग से। तो मैं यहां पे कुछ पॉइंट लिखता हूं, जैसे कार्डिक का क्या काम है, तो मैं यहां पे नीचे लिखता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डिक, कार्डिक, तो ऊपर लिख लेना अमाशय के तीन भाग होते हैं, अमाशय के तीन भाग होते हैं, देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ स्टमक, स्टमक कंसिस्ट्स ऑफ थ्री पार्ट्स। कहने का मतलब अमाशय कितने भाग होते हैं, तीन भाग, चलो ठीक है, वी आर करेक्ट से। कार्डिक की बात करते हैं, तो कार्डिक स्टमक का वो भाग है
भोजन नाल से भोजन सर्वप्रथम जहां प्रवेश करता है अमाशय में उसे काढ़ी कहते हैं। तो आप लिखोगे अमाशय का वह भाग जिसमें भोजन नाल से भोजन अमाशय में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। कहने का मतलब स्टमक का वो पार्ट आप लिखोगे कार्डिक इज पार्ट ऑफ स्टमक, कार्डिक इज दैट पार्ट ऑफ स्टमक, दैट पार्ट ऑफ स्टमक विच रिसीव फूड फ्रॉम ईसोफेगस। ठीक है, अब थोड़ा गौर से सुने आगे दूसरा पार्ट फंडस। आपसे पूछेगा कि भैया ये कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, याद रखना फंडस। तो मिड का जो पार्ट है, स्टमक का जो मध्य भाग है, उसे हम फंडस कहते हैं। और इसमें क्या भरी होती है? हवा। तो अमाशय का वह भाग, अमाशय का भाग, अमाशय का वह भाग है जिसमें हवा भरी होती है। क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। पार्ट ऑफ स्टमक फिल्ड अप विद एयर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, अमाशय के कौन सा भाग है जो हवा से भरा होता है? तो आप बोलोगे फंडस। उसके बाद में एक थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो थर्ड पार्ट है वो है पाइलोरिक। तो पाइलोरिक भी स्टमक का पार्ट है। और पाइलोरिक क्या करता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पाइलोरिक स्टमक का वो पार्ट है जहां से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो आप लिखोगे अमाशय का वह भाग, वह भाग जहां से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, छोटी आंत में प्रवेश करता है। कहने का मतलब पाइलोरिक इज द पार्ट ऑफ स्टमक, पार्ट ऑफ स्टमक फ्रॉम देयर फूड इज टू बी एंटर्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने का मतलब छोटी आंत में भोजन आपका यहां से प्रवेश करेगा। तो ये तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखें, ये तीन पार्ट के बारे में डिस्कस की तो एक बार मैं इन पार्ट को हटा देता हूं क्योंकि हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा इनमें क्या चीजें हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब देखो ये जो आपको मैंने चौंस सी बनी हुई है ये वाली, ये क्या है? तो इसको मैं आपको बता दूं कि ये एक वेल्व है। वेल्व का मतलब एक कपाट है। ठीक है, और इस कपाट का नाम है स्फिंक्टर, स्फिंक्टर कपाट। कहने का मतलब आप लिखोगे स्फिंक्टर, स्फिंक्टर वेल्व। ये क्या करता है? जो आपका भोजन है, भोजन नाल से जब अमाशय में प्रवेश करता है तो इस भोजन को वापिस नहीं जाने देता। ठीक है, जिस तरह हमारे हृदय में भी कपाट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उसी तरह आपसे पूछेगा कि अमाशय और भोजन नाल के बीच में जो कपाट होते हैं उस कपाट का नाम क्या है? स्फिंक्टर कपाट। और ये क्या करेगा? भोजन अगर अमाशय में आएगा तो वापिस इसको भोजन नाल में नहीं जाने देगा। उसी तरह ये वाली एक चोंच आप देख रहे हो, ये वाली, इसका नाम क्या है? तो यहां पे कौन सा भाग था अमाशय का? बोलो फटाफट, अपने आप में बोल दो। हाँ, यहां पे जो भाग था वो था पाइलोरिक। तो इसे कहते हैं पाइलोरिक कपाट, पाइलोरिक वेल्व। कहने का मतलब ये भोजन को छोटी आंत में भेज देगा तो वापस
अमाशय में नहीं आने देगा, स्टमक में नहीं आने देगा, तो इसे हम कहेंगे पाइलोरी कपाट। ठीक है, तो कहने का मतलब पाइलोरी कपाट और स्प्रिंटर कपाट, अमाशय की जो स्टार्टिंग है ऊपर से वो होती है स्प्रिंटर कपाट से, और एंडिंग जहां से भोजन अमाशय से निकल जाता है वो होता है पाइलोरी कपाट। चलो ठीक है, अब सुने इधर यहां पे, तो ये दो कपाट के बारे में बात कर ली, तो अब एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो इसको एक बार मैं अब हटा देता हूं, क्योंकि इसकी बात हो गई है तो हम इसको हटा देते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं। ओके, तो इनकी बात होगी, इन वेल्थ को भी मैं एक बार हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमने वेल्थ के बारे में भी पढ़ लिया है, तो बार बार इनके बारे में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूं। अब सुने थोड़ा ध्यान से बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से जो रोल होता हुआ भोजन आ रहा है, कहने का मतलब ग्रसनी के अंदर और ग्रास नाल के अंदर, फेरिंग्स के अंदर और फूड पाइप के अंदर जो भोजन है उस भोजन को क्या कहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। हमारे पूर्वज ये मानते हैं कि हर इंसान को भोजन चबा चबा के खाना चाहिए, वो बात अलग है कि हम हमारे रोटियां ऐसे ही निकलते हैं, चबा के कभी खाते नहीं, क्योंकि हमें महत्व ही नहीं पता है, चबा चबा के खाते हैं। साइंस भी यही मानती है कि इंसान साइंस को, जो इंसान है वो साइंस को फॉलो करता है, तो वो भी भोजन को चबा चबा के ही खाता होगा, अगर चबा के खाएगा तो लुगदी बन जाएगी, लुगदी बन जाएगी, तो कहने का मतलब आपका जो भोजन आएगा लार से मिक्स जो भोजन आएगा, क्योंकि अभी तो लार ही है इसमें और कुछ तो मिक्स हुआ नहीं, तो इस भोजन को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, ग्रसनी एंड ग्रास नाल में भोजन को, ग्रसनी है ग्रास नाल में भोजन को क्या कहते हैं, तो ग्रसनी और ग्रास नाल में भोजन को बोलस कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब फूड इन फेरिंग्स एंड इन इसोफेगस इज कॉल्ड बोलस, तो मैं यहां लिख देता हूं, फूड इन फेरिंग्स एंड इसोफेगस इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड बोलस। तो याद करना बड़ा ही आसान है कि आप यूं मान के चलो कि भोजन रोल होता हुआ, ओके। अब थोड़ा ध्यान दें, जब ये भोजन अमाशय में प्रवेश करेगा तो अमाशय के अंदर भोजन का नाम बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, क्योंकि लार मिश्रित भोजन को कहते हैं बोलस, और जैसे ही आपका भोजन अमाशय के अंदर आएगा, स्टमक के अंदर आएगा, तो इससे एक जूस निकलेगा जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, जिसे आप क्या कहोगे, गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस जब इसके साथ मिलेगा तो गैस्ट्रिक जूस मिलने पे जो भोजन का नाम आएगा वो आएगा काइन, तो आपसे पूछेगा अमाशय में भोजन को काइन कहते हैं, क्या कहते हैं, काइन कहते हैं, और ये एक दो बार एग्जाम में आया भी हुआ है, जो एक दो बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, तो आपको ये वर्ड याद रखना है, काइन। बोलस आया नहीं है लेकिन आपको ध्यान ही रखना है भैया, लार से मिश्रित भोजन को बोलस कहते हैं, और सीधी सी याद है, मुख से बोलेंगे तो मुख में लार है तो बोलो बोलस, है ना, काइन, काइन का मतलब अमाशय के अंदर आ गया भोजन, है ना, इसका मतलब इन स्टमक फूड इज कॉल्ड काइन। ओके, तो अमाशय में भोजन को क्या कहते हैं, काइन कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे, अब जैसे बच्चों अमाशय में भोजन प्रवेश करेगा, कहने का मतलब काइन हम उसे बोलेंगे, तो इसको काइन क्यों बोल रहे हैं, तो अमाशय में एक रस पाया जाता है, अमाशय में एक रस पाया जाता है जो रिलीज होता है, ठीक है, और उसका नाम है जठर रस, जठर रस का मतलब गैस्ट्रिक जूस,
गैस्ट्रिक जूस। जूस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। क्या मिक्स होती है देखो, जठर रस में तीन चीजें पाई जाती हैं, देर आर थ्री थिंग्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें होती हैं, वो तीन चीजें कौन सी है मैं नाम लिखता हूं। वन टू एंड थ्री। एक होता है इसमें पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन और पेप्सिनोजन क्या है? पेप्सिनोजन एंजाइम है, ठीक है। और दूसरा होता है इसके अंदर HCl। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl क्या है यहां पे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और तीसरी चीज जो है बच्चों, एक घी की तरह चिकना सा एक द्रव होता है जो यहां से निकलता है बच्चों, ये जो तीसरी चीज मैं लिख रहा हूं, म्यूकस, म्यूकस। और ये जो द्रव है चिकना सा होता है घी की तरह, और ये यहां से निकलता है अमाशय की दीवारों से। अमाशय की जो अंदरूनी दीवार है यहां से म्यूकस का स्त्रावण होता है। किसका स्त्रावण होता है? म्यूकस का। तो ये जो पोर्शन है जो मैंने अभी बनाया है, ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये अमाशय की अंदरूनी दीवार है जहां से म्यूकस का स्त्रावण होता है। तो ये जठर रस के अंदर कितनी चीजें हैं अगर आपसे पूछे? तीन चीजें हैं। और पेप्सिनोजन क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, और HCl और म्यूकस, ठीक है।